नमस्कार, ज्योतिष जिज्ञासा में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता और मेरे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो अक्षय तृतीया, हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को बेहद अहम माना जाता है। पंचांग के हिसाब से अक्षय तृतीया को बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि पर आप जो भी कार्य करते हैं उसका परिणाम एकदम सुखद आता है। तो अक्षय तृतीया से जुड़े कई बातें हम जानेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले ये बताइए कि अक्षय तृतीया का अर्थ क्या होता है और हमारे हिंदू ग्रंथों में अक्षय तृतीया का महत्व क्या है? देखिए, अक्षय मतलब जो जिसका क्षय ना हो, जो चीज खत्म ना हो, उसको अक्षय बोलते हैं। और हम बताते हैं कि इस ये जो अक्षय तृतीया है, इसका महत्व क्या है। देखिए, आपको बताना चाहेंगे, हर महीने में शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि आती है, जो कि बेहद शुभ और अच्छी मानी जाती है। लेकिन वैशाख मास की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है, उसको अक्षय तृतीया कहा जाता है। ये बेहद ही शुभ दिन होता है। इस दिन अब अगर हम कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी नई शुरुआत करते हैं, तो हमें उसमें बहुत बड़ी सफलता मिलती है। इस दिन के लिए हमें कोई शुभ मुहूर्त भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस दिन के लिए अगर आप कुछ भी खरीदारी करते हैं, कुछ भी शुरुआत करते हैं, तो हम कहते हैं कि उसका रिजल्ट्स बहुत लंबे समय तक आपको मिलता रहता है और शुभ फलों की वृद्धि होती रहती है। जी, लेकिन जो मुहूर्त क्या होता है इस दिन? जी, मतलब आपको कितने से कितने बजे तक जो रहता है? हम बता दें कि ये अक्षय तृतीया में जो शुभ मुहूर्त रहेगा, ये सुबह 5:55 से लेके दोपहर में 12:25 तक ये शुभ मुहूर्त रहेगा अक्षय तृतीया का। इस शुभ मुहूर्त का आप जरूर फायदा उठाएं। इस शुभ मुहूर्त में अभी सभी कामों की शुरुआत करेंगे तो आपको बड़ी सफलता मिल सकती है। लेकिन जैसे अक्षय तृतीया के उसमें होता है, कई लोग ये जानने की इच्छा होती है कि इस दिन किस भगवान की आराधना करनी चाहिए ताकि उनकी असीम कृपा हम पे बनी रहे। जी जी, देखिए, अक्षय तृतीया के दिन आपको विष्णु जी का व्रत करना चाहिए, लक्ष्मी माता का व्रत करना चाहिए, इनकी पूजा करनी चाहिए। और विष्णु के लक्ष्मी नारायण स्वरूप की पूजन करने से, इनका व्रत करने से विशेष लाभ देखा गया है। बहुत विशेष लाभ मिलता है इस दिन एक पूजा करने से। और इस दिन एक ये भी मान्यता है कि अगर आप 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं, वो भी गोल्ड के पेंडल में डाल के, तो विशेष ये शुभ रहता है। लेकिन मयंक जी, मैंने हमेशा सुना है कि जो भगवान विष्णु होते हैं, हमारे पालनहर्ता होते हैं, और माँ लक्ष्मी की तो असीम कृपा, मतलब भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए हमेशा लगे रहते हैं ताकि माता लक्ष्मी उन्हें धनवान बना दे, सुख समृद्धि दे। तो ऐसे, मतलब जैसे कहते हैं कि आज के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है, खासकर अक्षय तृतीया के दिन। बिल्कुल। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनकी अपनी आर्थिक स्थिति होती है, वो सोना नहीं खरीद पाते, तो उनके लिए क्या उपाय, मतलब वो और क्या खरीद और क्या खरीद सकते हैं? देखिए, सोना, जैसे आपने बताया कि सोना खरीदना इस दिन शुभ होता है, जो लोग सोना खरीद सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। क्या है, सोना एक छोटा सा टुकड़ा ही खरीद के अपने घर में रखिए। या जो लोग रिंग बनवाना या चैन बनवाते हैं, तो इस समय बनवाते हैं तो विशेष लाभ मिलता है इस दिन का। सोने के अलावा आप और भी आभूषण ले सकते हैं। कोई अगर आप कोई अंगूठी, चांदी की अंगूठी ले सकते हैं, कोई और आभूषण, या घर में कोई चांदी का ग्लास भी अगर आप लेते हैं, ये खरीदारी करते हैं, तो बहुत शुभ रहता है। कुल मिला के कहते हैं कि अक्षय तृतीया के अंदर जो भी चीज़ आप खरीदारी करते हैं वो बहुत शुभ रहती है, और इस दिन कुछ ना कुछ हमें खरीदारी करनी ही चाहिए। भले अगर आप सोना नहीं खरीद पाए तो आप चांदी ही खरीद लीजिए, एक छोटा सा सिक्का या बिल्कुल छोटी कोई भी। और क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं, जैसे कि जो लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं, वाहन, नया वाहन लेना चाहते हैं, या नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं, मकान, अपना मकान चेंज, जो लोग किराए के मकान से अपने मकान में आते हैं, या दूसरा मकान भी चेंज करना हो, तो उसके लिए भी ये बिल्कुल शुभ दिन माना जाता है। और इस दिन हम कहते हैं कि जो हमारे पितर होते हैं, उनका भी तर्पण करने से उनको मुक्ति मिलती है, ग्रह शांति रहती है। और ये भी शास्त्रों में लिखा गया है कि गंगा मैया में और जितने भी पवित्र नदियां हैं, इस दिन स्नान करने से विशेष शुभ फल और लाभ की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि जो आपके जो पाप होते हैं, उनसे भी आपको मुक्ति मिलती है इस दिन अगर स्नान करते हैं तो। लेकिन कई लोग जिनका वैवाहिक जीवन अगर सही ना चल रहा हो, तो उन लोगों को भी क्या उपाय करने चाहिए आज के दिन, क्या कार्य करने चाहिए कि उनका? देखिए, इस दिन जैसे हमने आपको बताया कि सभी सुख की प्राप्ति के लिए विष्णु जी का व्रत कीजिए, लक्ष्मी नारायण स्वरूप जो है उनका, विष्णु जी का, उनकी पूजा कीजिए, लक्ष्मी जी की आप आरती करेंगे, तो आपको सभी तरह के सुख और समृद्धि ये मिल जाएगी आपको धीरे धीरे। और इसमें विशेष क्या है कि आप इस दिन जिससे आपको बहुत लाभ मिले, किसी ब्राह्मण की सेवा करें, गरीबों को दान करें, कुछ भी दान करें चाहे, ये करना विशेष
लाभदायी रहता है। अगर आप कुछ अपने घर में हवन या जप करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, तो इससे भी विशेष सुखों की घर में वृद्धि होती है, सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, ग्रह कलेश से छुटकारा मिलता है, पति पत्नी के संबंधों में मधुरता आती है, संतान सुख की वृद्धि होती है। और अगर इस दिन हम क्या क्या चीज़ दान कर सकते हैं, देखिए अगर आप पंखा दान करते हैं, चावल, नमक, घी, शक्कर, वस्त्र इत्यादि अगर आप दान करते हैं तो शुभ फलों में वृद्धि होती है। यह आप किसी ब्राह्मण को या किसी गरीबों को भी अगर आप बंटवाते हैं तो भी आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, इसका पूरे साल तक आपको आने वाले सालों तक फायदा मिलता है। ये बेहद ही शुभ दिन है। कुछ भी अगर आपने शुभ शुरुआत करनी है तो अक्षय तृतीया से अच्छा शुभ दिन कोई और हो नहीं सकता जी। लेकिन होता है कि अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जो करने चाहिए? देखिए उसमें यह है कि आप सबसे पहले लक्ष्मी माता का व्रत कर सकते हैं, उनकी आपको आरती करनी चाहिए, और जैसे मैंने बताया कि 14 मुखी रुद्राक्ष अगर आप उस दिन धारण करते हैं तो ये विशेष लाभकारी रहता है। और इन सभी उपाय करने से आपको सभी सुखों की वृद्धि आपको होती चली जाती है। तो जैसे कि मयंक जी ने बताया कि अक्षय तृतीया के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इससे बड़ा दिन और कोई नहीं हो सकता किसी भी चीज की शुरुआत करने के लिए। इस दिन ये भी जोड़ सकते हैं, जैसे जो लोग सगाई करना चाहते हैं या रोकना करना चाहते हैं शादी, तो उसमें कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत भी नहीं है जी। अपना व्यापार शुरू करना है तो कुछ भी शुरुआत इस दिन आप कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के, आज आप वो कर सकते हैं। आपको कोई भी शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं अपने करियर से रिगार्डिंग, कुछ भी अपने वैवाहिक जीवन से रिलेटेड, तो आप आज के दिन को जरूर चुन सकते हैं, यानी कि अक्षय तृतीया के तिथि को आप जरूर चुन सकते हैं। तो अगर आपके भी कोई सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि हम उन सवालों को मयंक जी के सामने रख सकें। और तब तक के लिए मुझे और मयंक जी को दीजिए इजाजत, और देखते रहिए NMF न्यूज़।